आइए सबसे पहले देखते हैं इस समय की 20 बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में आयोजित। बैठक में यूपी के चुनावी नतीजों पर चर्चा के साथ आगे की रणनीति पर भी हुई चर्चा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले में ट्रंप पर गोली चलाई गई। गोली उनके दाहिने कान को भेदते हुए निकल गई। सुरक्षा समूह ने हमलावर को मार गिराया। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा, मैं पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई घटना के बीच अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और सभी कानूनी एजेंसियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बारे में एक्स पर लिखा, दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से काफी चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की पेंसिल्वेनिया रैली में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा, अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की आशीर्वाद सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। अनंत राधिका ने उनके पैर छू कर लिया आशीर्वाद। गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे के दौरे पर रहेंगे, साथ ही वे पुणे में भारतीय जनता पार्टी की बैठक को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित तीसरे साइबर सुरक्षा सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी चीफ के आर्मस्ट्रांग की हत्या के एक मुख्य आरोपी की आज पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मैं अभिभावकों को कहूंगा कि जब बच्चे घरों में खेल खेलते हैं तो उन्हें खेलने की छूट भी दें और पढ़ने की कला भी सिखाएं। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आए। इनमें INDIA ने 10, NDA ने 2 सीटें जीती। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज खोला जाएगा। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत की मौजूदगी में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का कर्टन रेजर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के प्रभावी कामकाज के लिए उसकी स्वायत्तता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा है कि आयोग के पास पीठ गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रेजियो कैलाब्रिया में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए कल इटली की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां बढ़ा दी हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार LG की मंजूरी के बिना अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर नहीं कर सकेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों को तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए NMC ने जारी किए निर्देश। नेपाल से सटे बिहार और यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में बगड़ा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य की 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।